देखा व्हाट्स अप, आई एंजॉयिंग द शो. हाँ यार, प्रेडिक्शन तो चल रही है एट माय परफॉर्मेंस. या यू नो, मतलब यार दिल से बात निकलती है, फिर स्टैट्स होते हैं, फिर फिगर्स होते हैं, यू हैव टू गिव द राइट आंसर्स एंड आई एम किलिंग इट. हाँ, बड़ा मजा आ रहा है यार. वो वीरू थोड़े बड़े हैं ना उम्र में, तो यू हैव टू लेट हिम विन. तो आते रहते हैं शो पे एंड आई कीप टेलिंग हिम कि यू नो आप सही दे दो, इट बी फाइन, बिकॉज यार ही डजंट लाइक टू लूज. तो मैं बड़ा दिल होना चाहिए लाइफ में, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू हैव इन लाइफ. जस्ट वन सेकंड. क्या बोल रहे हैं? I'll call you back. देखा, I'll just call you back. Yeah, bye. मैं कह रहा था कि हाउ ग्रेट योर परफॉर्मेंस इज. वीरू पाजी फ्रेंड एट कॉल्ड मी, आप पूछ रही थी कि आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस कैसे दे रहे हो, आपकी प्रेडिक्शंस कितनी अच्छी हैं, हाउ वंडरफुल यू आर एंड हाउ वंडरफुल लुकिंग. वेलकम टू द शो वीरू पाजी. सैम, जो तू बैठ के बातें कर रहा था ना, मैंने सब सुन लिया है. नहीं नहीं वीरू पाजी, कोई बात नहीं. नहीं, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा था. ऑन द फील्ड भी इतने शानदार थे, ऑफ द फील्ड तो मतलब माशाल्लाह कमाल गया. कोई बताएगा मुझे जब वीरू पाजी की एंट्री हो रही है सेट पे? अरे हाँ सर, इनकी भी एंट्री होगी. तो फ्रेंड्स, लेडीज, जेंटलमैन, बच्चे, बुजुर्गों को नमस्कार. वेलकम टू पा प्ले विद चैंपियंस, विद द ट्रू चैंपियन राइट हियर. सो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बात करेंगे दिल्ली और हैदराबाद की. आपको मिलेंगे 6 सवाल, जिसमें से 3 प्रेडिक्शंस हुई करेक्ट तो मिलेगा शॉर्ट शॉर्ट इनाम. सभी करेक्ट प्रेडिक्शंस पर फ्लिपकार्ट की तरफ से एक ऑर्डर फ्री, और जितना ज्यादा खेलोगे उतने ज्यादा होंगे आपके चांसेस लखपति बनने के. टूर्नामेंट के दौरान आप हाफ सेंचुरी मार सकते हैं सही जवाबों की, या सेंचुरी भी मार सकते हैं. सेंचुरी मार दी तो मेगा बम्पर प्राइज. बाबा स्वैग इज हियर विद मी, और खेल की शुरुआत करते हैं. और स्वैग यार, लाइफ में अगर एक्स्ट्रा हो ना तो कितना मजा आता है. एक्स्ट्रा माइलेज, एक्स्ट्रा वारंटी, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा सच अ ग्रेट वर्ड सर. सैम, अगर क्रिकेट में एक्स्ट्रा हो ना तो मजा खराब हो जाता है. वीरूपाजी और माइंड रीडर, ट्रिमेंडस सर, ट्रिमेंडस. नाउ आई कैन रीड योर माइंड, आई नो कि आप तैयार हैं. तो भाई सवाल है आपके सामने, विच टीम विल कंसीड मोर एक्स्ट्रास इन दिस गेम? विल इट बी हैदराबाद और विल इट बी दिल्ली? क्या लग रहा है आपको, हैदराबाद और दिल्ली? दिल्ली का कमाल का बॉलिंग अटैक. बिल्कुल, दोनों टीमों का बॉलिंग अटैक अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस दिल्ली का बॉलिंग अटैक बेहतर कर रहा है. तो मुझे लगता है कि हैदराबाद शायद ज़्यादा एक्स्ट्रास देगी. सर, बिकॉज आप इतने अच्छे हैं, आपकी प्रेडिक्शन इतनी शानदार है, मैं भी वही कहूंगा सर. कैचअप करने की कोशिश मत कर, मैंने सुना है तूने क्या कहा. मैं तो वही कह रहा था, बड़े भाई इतनी अच्छी प्रेडिक्शंस करते हैं तो मैं इनके साथ ही जा रहा हूं ना. बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दो एक्स पार्टनर्स की, जो अब एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं, लेकिन दोनों जानदार लेफ्ट हैंडर्स. एक तरफ गब्बर वीरू पाजी, दूसरी ओर वॉर्नर. दोनों की परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में अभी तक कैसे गेज करेंगे आप? गब्बर ने कमाल की 2 सेंचुरीज बनाई लगातार, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं. लेकिन वहीं डेविड वॉर्नर उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे इस बार. हालांकि 1-2 मैच में ज़रूर उन्होंने रन बनाए, लेकिन जो कंसिस्टेंट रन वो बनाते थे, अपनी टीम को जिताते थे, वैसा नहीं कर पा रहे. तो गब्बर जो है ना, जब वो चलते हैं तो ठाकुर को मात दे ही देते हैं. और सर, टीम में जो बड़े ठाकुर बैठे हैं, रिकी पॉन्टिंग, शुरुआत में कहा था कि भाई आप शीट एंकर हो, दूसरी ओर शॉ मारेंगे, बाकी के खिलाड़ी मारेंगे, लेकिन यहाँ पर एकदम से रफ्तार बदली है. तो ये रिकी पॉन्टिंग को थोड़ा श्रेय जाएगा आपको लगता है? रिकी पॉन्टिंग को भी जाएगा, लेकिन गब्बर को भी जाएगा, क्योंकि अजिंक्य रहाणे के आने से शायद वो जो तेज खेलने वाला रोल था वो दे दिया गब्बर को, और शीट एंकर का रोल दे दिया है अजिंक्य रहाणे को. तो शायद वहाँ से वो जब एक बार खुले हैं ना शिखर धवन, तो अब उन्हें बंद नहीं होना चाहिए. जी, अब टूर्नामेंट के अंत तक खुल के ही खेलना चाहिए, क्योंकि जब वो खुल के खेलते हैं तो बेहतर खेलते हैं. बैक टू बैक सेंचुरीज कभी ऐसा हुआ नहीं है सर? देखिए, बैक टू बैक सेंचुरी जरूर बनाई, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 मेडल ओवर डाले हैं इस साल इस सीजन में. जी, और ये विचित्र साल है, विचित्र घटनाएं घट रही हैं, वो भी बैंगलोर के गेंदबाज, बैंगलोर के जिन्होंने 2 मेडल ओवर डाले हैं इस साल. तो सर, कमाल का नाम उनका है मोहम्मद सिराज. मोहम्मद सिराज, और विकेट भी कमाल के लिए उन्होंने. लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं हम, तो सर दोनों के बीच में वॉर्नर धवन, कौन करेगा हवन रनों का, हु विल स्कोर मोर रन्स, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि शायद हाँ डेविड वॉर्नर करेंगे. ओ, डेविड वॉर्नर कहने बड़े भाई. जी सर, मैं तो कंटिन्यू करूंगा फिर फॉर्म के साथ सर. बिल्कुल, आप लोग क्या बोलते हैं, हु विल स्कोर मोर रन्स, विल इट बी शिखर धवन और विल इट बी डेविड वॉर्नर? दोनों शानदार बल्लेबाज, रन कौन बनाएगा, सोचिए, लगाइए अनुमान. बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये सवाल जुड़ा हुआ है कैचेस से. सर, कैचेस विन मैचेस, और टूर्नामेंट में जो फील्डिंग लेवल्स देखिए सर, ये बाउंड्री लाइन पे क्या चल रहा है, मतलब हलवा पकड़ के बॉल को कूद के वापस फेंक रहे लोग, ये लेवल्स ऑफ फील्डिंग कहाँ पहुंच गई है? देखिए, हमारे टाइम पे ये इतना सब कुछ नहीं होता था बाउंड्री लाइन पर, कि कैच पकड़े, गिरने से पहले उसे फेंके, बाहर जाके वापस आया, फिर पकड़े और आउट करे, ये नहीं होता था. ये अलग ही स्टैंडर्ड हो गए हैं इस टूर्नामेंट में, क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट टूर्नामेंट है, तो इसलिए फील्डिंग भी बेस्ट होनी चाहिए. लेकिन
एक प्रॉब्लम ये भी रही है कि कैचेस भी छूटे हैं बहुत जी। ऐसा नहीं है कि कैचेस पकड़े अच्छे हैं तो छूटे भी हैं। करेक्ट। तो सवाल क्या है ये बता मुझे। सर सवाल कैचेस से ही जुड़ा हुआ है। मतलब कौन ज्यादा कैचेस पकड़ेगा? नहीं सर, सर सवाल काफी इंटरेस्टिंग है जी। दोनों टीमों को मिलाकर कितने कैचेस लिए जाएंगे इस मैच के अंदर? अच्छा, तो दिल्ली की पारी और हैदराबाद की पारी के एंड में मैच के पूरे एंड के अंदर कितने ऑप्शन देगा कुछ? सर दे सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं, वी कैन से 7 से कम या 7 या 7 से ज्यादा। 7 से कम। 7 से कम लग रहा है आपको? एवरेज क्या है सर? एवरेज कहती है कि दोनों को मिला के तो ज्यादा ही होगा। That's what the average is saying. तू ज़्यादा के साथ जा सकता है। Sir, more is more. हाँ, more is more. मुझे लगता है कि 7 से ज़्यादा होंगे सर। आपको क्या लग रहा है भाई? How many catches will be taken in this game? Less than 7 or 7 or more? क्या लग रहा है आपको? सोचिए, अनुमान लगाइए। कैच की बात होगी, अब मैच की बात करते हैं। हैदराबाद दिल्ली। सर ओवर द इयर्स तो हैदराबाद ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर चुकी है हेड टू हेड पे, लेकिन इस टूर्नामेंट में दिल्ली एक अलग रूप धारण करती हुई। कौन जीतेगा मैच पड़े भाई? क्या लग रहा है आपको? दिल्ली पुरानी टीम। अगर हैदराबाद को, दिल्ली जैसी टीम को जो करंट फॉर्म पे, उनको हराना हो तो हैदराबाद को आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए 120 गेंदें होती हैं बैटिंग की और 120 गेंदें होती हैं गेंदबाजी की जी। तो टोटल मिलाकर हो गई 240 गेंदें। बिल्कुल सही, 240 गेंदें। अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तब जाके दिल्ली हारेगी। अगर ये हुआ कि आपने 200 गेंदे तक अच्छी क्रिकेट खेली और बाद के जो 40 या 30 गेंदे बची उसमें खराब क्रिकेट खेली तो आप हार जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत बारी देखा है आखिरी ओवर तक मैच जाते हैं, उस आखिरी ओवर में जो प्रेशर को हैंडल बेटर कर सकता है वो टीम जीत जाती है। सर व्हाट वाइज वर्ड्स, मतलब ऐसा कहेंगे तो सर मैं भी आपके साथ ही हूं। क्या बात कर रहे हैं सर, आई एम ऑलवेज फॉलोइंग यू। बड़े भाई कह रहे हैं मेरी भी जन्मभूमि है। आपको क्या लग रहा है भाई, हैदराबादी बिरयानी या दिल्ली का बटर चिकन? Who will win this match versus Hyderabad and Delhi? Big one for Hyderabad. Need to make a move on the points table. और दिल्ली ऊपर comfortable बैठी हुई, लेकिन ज़्यादा comfortable नहीं हो सकती क्योंकि एक-एक loss जो है अब matter करती है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये है slider सवाल। तो तैयार हो जाइए, अपनी उंगलियों को थोड़ा sharpen कीजिए, थोड़ा फूंक मारिए, get them ready because the slider will come just your way. Power play की बात करते हैं। Power play यानी कि पहले 6 over। विरूपा जी क्या लग रहा है आपको, पहले के 6 ओवर में कितने रन बनने वाले हैं? तो क्या है स्लाइडर पर? सर स्लाइडर पर है 0 to 100, 0 से लेकर 100 तक, यानी कि पहले 6 ओवर 36 गेंदें, कितने बनेंगे रन? अच्छा दिन हो सकता है अगर ये सर दिल्ली ने बैटिंग की पहले, तो शिखर धवन अगर फॉर्म पे आ गए तो पावर प्ले में 50 से ऊपर रन बनेंगे, तो मैं कहता हूं कि 52। 52 कह रहे हैं आप, एवरेज सर है 45। हां तो एवरेज पे जा सकता है। नहीं सर, आई विल गो नॉट बियॉन्ड एवरेज सर। ओह आई थिंक सर बिग गेम। आई थिंक सर 60। ओह लंबे 10 रन इन ओवर सर, ये आते ही तोड़फोड़ होगा। सही का तो पता नहीं, बट प्रेडिक्शन तेरी गलत हो गई। देखेंगे सर, ओनली टाइम विल टेल, ओनली टाइम विल टेल, पर आपका टाइम हो गया भाई। हाउ मेनी रन्स विल दिल्ली स्कोर इन द पावर प्ले 0 टू 100 की रेंज स्लाइडर पर? आपका टाइम शुरू होता है अब, और लगाइए 36 गेंदे। कौन सी टीम पहले बैटिंग करेंगे हमें पता नहीं है, लेकिन कितने रन बनेंगे 45 की एवरेज? बढ़ते हैं आखिरी सवाल यानी कि छठे सवाल की ओर, और ये है एग्रीगेट से जुड़ा हुआ, यानी कि दोनों टीमों का कंबाइंड स्कोर कितना होगा? सर मैच है दुबई में, विरूपा जी क्या कहते हैं एग्रीगेट कंबाइंड स्कोर मैच के एंड में, दोनों टीमें मिलाकर कितने रन बनाएंगी? ये भी स्लाइडर का सवाल है, मुश्किल। वाह 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 वाह, 240 मुझे लगता है कि सर एवरेज करीबन 330 के आसपास, कहना बड़ा मुश्किल। तू कह रहा है कि एवरेज स्कोर 330 के आसपास है? जी सर, दोनों टीमों का मिला के एग्रीगेट स्कोर मिला के 330 के आसपास। स्लाइडर की रेंज है 280 से 380 के बीचों बीच। मैं पहले बोलूं सर? हाँ पहले तू बोल। 280-380 के रेंज में, आई एम सेइंग सर 365। यस सर, हाई स्कोरिंग गेम। अगर 172, 173 बनते हैं तो कितने बनते हैं? सर मैच करवा रहे मुझसे आप? 345। बिग मैन हैज गिवन अ बिग आंसर फॉर यू। व्हाट इज योर आंसर दो? व्हाट इज द एग्रीगेट स्कोर ऑफ बोथ द टीम्स? 280 और 380 के बीच में रेंज। आप लोग हो जाइए शुरू। हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन। कम ऑन गाइस, चूज कीजिए। स्लाइडर ऊपर नीचे घुमाइए घुमाइए, मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए, अंकल से पूछिए, आंटी से पूछिए, टॉमी से भी पूछ लीजिए, लेकिन एंड में सिर्फ एक वैल्यू। और सारे 6 के से अगर आपको सही मिलते हैं तो रिमेंबर फ्लिपकार्ट की ओर से एक ऑर्डर फ्री। जितना ज्यादा खेलेंगे भाई उतने आपके चांसेस ज्यादा प्राइस जीतने के। और एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट यानी कि पावर प्ले विद चैंपियंस के अंत तक अगर आप लखपति बन गए तो भाई पार्टी पार्टी। और यहां पर अब के लिए ये पार्टी खत्म होती है क्योंकि हमारा आज का एपिसोड होता है खत्म, पर आगे
आगे बहुत सारी प्रेडिक्शंस होंगी और बड़े भाई अच्छे फॉर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए हम दोनों साथ में कंपीट कर रहे हैं। वीरूपा जी मुझसे आगे हैं। हाउ वेल ही इज प्लेइंग, आई गिव अ क्लैप टू वीरूपा जी, सुपर ग्रेट परफॉर्मेंस। खत्म हो गया? खत्म हो गया सर। अब बता तू बोल क्या रहा था फोन पे? सर मैं एक्चुअली मेरी फ्रेंड है सर रितिका, कि मैं वीरूपा जी को इसलिए जीतने दे रहा हूं कि वो बड़े हैं, एक्सपीरियंस नहीं, मैं कह रहा था कि मैं सीख रहा हूं आपसे, मैं आई एम लर्निंग सो मच फ्रॉम यू सर। आई थिंक यू शुड टेल देम कि पावर प्ले विद चैंपियंस के पेज पर आप जाइए मैच के बाद अगले सुबह 9 बजे और आप जरूर देखिएगा कि आपने कितने रन बनाए हैं, आपने कितने सही जवाब दिए हैं, आप लीडर बोर्ड पे कहां तक पहुंच सकते हैं। टिल देन भविष्यवाणी भव। वीरूपा जी सॉरी, मैंने कॉल रितिका, कैन यू प्लीज नॉट कॉल ऑन द शोज ऑन, थैंक यू। So she wants to say hi to you.